नहीं वो नहीं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। राम सिंह पटेल है, नहीं है। प्रश्न संख्या चार, नो आपका आ गया, थैंक यू। प्रश्न संख्या सात, श्री अनिल प्रधान। अनिल अनिल उसको बैठा दो बगल वाले को, धन्यवाद। मनीष धन्यवाद। ये जो देखिए अनिल जी, आप भी सुन लीजिए और बाकी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दवा के लेने के जाना है। जो भी है, जो आप प्रश्न करेंगे माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, उसके बाद एक बार आपको अनुपूरक करने का अवसर मिलेगा। अपना स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर रहिएगा और आप इस ऊपर अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष का हमेशा अधिकार है, वो पूछेंगे। श्री अनिल प्रधान, श्री अनिल प्रधान को अवसर मिलेगा, श्री ओमवेश जी को और डॉक्टर संग्राम सिंह जी को एक एक प्रश्न करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार। हम सभी आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका मिला है, मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूं, मैं माननीय मंत्री जी की बातें भी सुन रहा था। जनपद चितकूट, जहां से कि जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, मेरा चितकूट जिला आकांक्षी जिला है और उत्तर प्रदेश के आठ जिले आकांक्षी जिले के श्रेणी में हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उस पिछड़े जिले में हमारे जिला अस्पताल, जो संयुक्त जिला अस्पताल, उसकी हालत कितनी खराब है। इतनी स्थिति दयनीय है कि सर तीन महीने से वहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ट्यूबवेलों के पेयजल के टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है। आपने वो डायलिसिस वार्ड की बात की, अभी पानी की कमी के कारण, हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, सवाल पे ही आ रहे हैं। अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत। माननीय सदस्य अपना सवाल रखें, तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा। अनिल जी आप कर रहे हैं सवाल, जो सदन में ढाई साल में माननीय मंत्री जी ने एक झूठ का पुलिंदा पूरे उत्तर प्रदेश की मेडिकल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिया है, उस पर हम सवाल करना चाहते हो, आपसे पूछना चाहते हो कि आज सवाल ही कर रहे हैं, सुनने दे तो आप अन्यास कर। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे चित्तूर जो आकांक्षी जिला है वो केवल देखने के लिए आकांक्षी जिला की कोई हमारे जिले को कोई सुविधा भी मिलेगी? आपने वहां 200 बेड का अस्पताल बना है, संयुक्त जिला अस्पताल है ना, वहां पर डॉक्टरों की कमी है, प्रसव और हड्डी के ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे साल में सैकड़ों मौतें हमारी बहनों की प्रसव के दौरान होती है। मेरे जो क्वेश्चन है आपके आपसे कि जो हमारा कांची जिला क्या हमारे जिले में जो डॉक्टरों की कमी है, मैं आपसे एक बार मिला भी था, अनुरोध ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। मानी उसी बस विषय पर आ रहा हूं सर, जनता से ही जुड़ा विषय है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा सीधा सवाल। आकांक्षी जिला हमारा क्या जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने का काम आप करेंगे, पहला। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में कैंसर बढ़ रहे हैं। अभी आप जब पीजीआई जाओगे, कहीं अन्य हॉस्पिटल जाओगे तो पहले जांच में नंबर लगेगा, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, फिर महीना डेढ़ महीना का समय लगेगा टीमों में। क्या उसके लिए कोई आप स्थायी प्रक्रिया करके कैंसर के मरीजों को लाभ देने का काम करेंगे? और मेरा एक जो सवाल है कि 108 और 102 में आप कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइमिंग है, बहुत जल्दी एम्बुलेंस पहुंचेगी, अपने सवाल सीधे पूछे हैं। और मेरा कहना कि जो आशा बहुएं हैं सर, अंतिम मेरी आपसे सवाल अंतिम, कि जो आशा कार्य करती है क्या उनका मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार? ठीक है, माननीय उपमुख्यमंत्री जी। आशा महोदय, अगर आप मूल सवाल देखे हुए हैं तो इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और सीएससी पे क्या क्या इक्विपमेंट्स है उसके बारे में पूछा है, और जो अनुपूरक पूछा है वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है। अगर लिख के मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको सूचना दिलवा दूंगा। ठीक है, माननीय सदस्य आपके पास, माननीय मंत्री जी इनकी जो सूचनाएं हैं उनको इनके पास पहुंचवा दीजिएगा। स्वामी ओमेश जी, देखिए आपने अपने संबंधित संबंधित प्रश्न से हटकर जो जानकारी चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगी। चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में ही सवाल पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, आप कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन पर जो उपकरण, चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है, जहां पर जो आकांक्षी जिले हैं, कमजोर जिले हैं, उन पर पूरी चिकित्सीय व्यवस्था कराने का काम आप करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताऊंगा, प्रदेश के
958 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 128 प्रकार के उपकरण जो है स्वीकृत किया जा चुके हैं और लग भी रहे हैं। इसके अलावा 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पर हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कुल 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान PMSA के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने के लिए निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को ई रूपी औसत की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें पूरे प्रदेश में हमारे 1701 ऐसे निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं जिनको हम लोगों ने इसमें इंपैनल किया है। और मुझे ये बताने में खुशी का भी अनुभव हो रहा है अधिष्ठाता महोदय, पिछले वर्ष हम लोगों ने 10,47,871 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड हेतु ई उपचार अवसर उपलब्ध कराए हैं और इतने लोगों को इससे फायदा मिला है। वर्तमान में मानकानुसार प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरण की उपलब्ध सूची के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन MRI मशीन अनुमत नहीं है तथा शासनादेश दिनांक 30/5/2018 उसकी प्रति भी मैं आपको दिलवा दूंगा। बाकी तो लगभग सारा जवाब आ गया। ठीक अनिल जी आपका आपके प्रश्न का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मिल गया है। माननीय स्वामी ओमेश जी बैठिए, अनिल जी बैठिए, अपने साथी को मौका दीजिए, बैठिए ओमेश जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे